प्लेग्राउंड के शो में गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी आप वो करोगे। तो गाइस गिनी पांडे का भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए हैं प्लेग्राउंड वालों के ऊपर, एलविस यादव के ऊपर। बेसिकली ये मामला स्टार्ट हुआ इस वीडियो के वजह से। क्या क्या करते हो आप जो कह दो हम वो कर देंगे। नहीं वो तो नहीं करवाना। तो गाइस जैसे कि आप सभी ने उस वीडियो क्लिप को देख लिया कि एलविस यादव उस वीडियो के अंदर डबल मीनिंग का यूज किया और वो चीज उसके भाई को अच्छा नहीं लगा। गिनी पांडे का भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और काफी तगड़ा तरीके से रिप्लाई दिया प्लेग्राउंड वालों को, एलविस यादव को, कि अपने टीआरपी के लिए क्या क्या कर रहे हैं भाई। एक तो साला ये दो कड़ी का शो है, लेकिन इस शो में गिनी गई है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग दबा के वोट करें। और ये लोग ये हैं अपना डबल मीनिंग जोक लगा के और खुद को प्रमोट कर रहे हैं। इससे पहले ना इस शो को साला कुत्ता भी नहीं जानता था, अभी लोगों को बता बता के जिसको बता रहा हूँ कह रहा है प्लेग्राउंड क्या है। अब ये लोग हैं कि साला डबल मीनिंग वाला जोक लगा रहे हैं, वो भी गिन्नी के बोले गए डायलॉग के ऊपर। भाई ये प्लेग्राउंड वाले जो हैं जहाँ पे जिस शो में गिन्नी गई है, ये लोग नेक्स्ट लेवल के कर रहे हैं, अपने प्रमोशन के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। ये इतना नेगेटिव, इतना डबल मीनिंग वाला जोक है जो कि कमेंट किया गया है गिन्नी के ऊपर, इस पे जाके इतनी गंदी गंदी लोग कमेंट में, कि इन लोगों की ना औकात समझ में आ जाए। और मुझे बहुत लगा है ये चीज़, और इसका तो भाई पता नहीं अभी क्या होने वाला है। आप लोग पहले जाके भर भर के इसमें। बहुत गलत था, ये वीडियो का लिंक लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस वीडियो पे जाके इतनी दूँ आप लोग, इतनी दो समझ में आ जाए। प्लेग्राउंड के शो में गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी आप वो करोगे। तो गाइस इस मामला के ऊपर और एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, गिनी पांडे का भाई जो है ना उस वीडियो को डिलीट करवाने का अपील कर रहा है। वो अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा के बताया कि वीडियो को अभी तक डिलीट नहीं किया, और अपने ऑडियंस को सरासर बोल रहा है कि जाके गालियां दो और वीडियो को डिलीट करो। बाकी आप सबको क्या लगता है इस पर, जो उसका भाई कर रहा है सही है या गलत है, कमेंट में अपना राय बताइए। और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का अपडेट्स लाते रहता हूं। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।